हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे फटे हुए दूध की रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक सी है। ये मैंने लिया है फटा हुआ दूध, इससे आज मैं बढ़िया से गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले बना लेंगे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी। ये मैं ले रही हूँ आधा मग चीनी, और चीनी को मैं एक भगोने में ऐड कर रही हूँ। उसमें ऐड कर दूँगी मैं 2 मग पानी। इससे हमें एक परफेक्ट सी चाशनी बनाएंगे। ये मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी कुक होने के लिए। कभी कभी जैसे घर पर दूध फट जाता है तो हम सोचते हैं कि उसका क्या करें, तो आज मैं उसका बहुत ही बढ़िया उपयोग बता रही हूँ। अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 2 से 3 हरी इलायची। हरी इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 3 से 4 बूंदे गुलाब एसेंस की। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसकी एक चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं ले रही हूँ एक ग्राइंड जार में ऐड कर रही हूँ मैं 1 छोटी कटोरी भर के काजू। और अब ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कटोरी बादाम। और अब ऐड करूँगी मैं इसमें 4 हरी इलायची। हरी इलायची मैंने चाशनी में भी ऐड। अब मैं इन काजू बादाम का एक फाइन सा पाउडर बनाकर रेडी कर लूँगी। अब ये लिया है मैंने फटा हुआ दूध, जो दूध फट गया था। अब जो हमने काजू और बादाम का पाउडर बनाया था उसको ऐड कर देंगे। और 1 कटोरी ऐड कर रही हूँ इसमें मैं मैदा। और अब ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। इससे भी इन जो गुलाब जामुन बनाएंगे हम उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा खाने का सोडा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मावा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर भी, बट मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा से इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी और इसका एक डो बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारा डो लगकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेंगे और इसके गोल गोल गुलाब जामुन बनाते जाएंगे। ये मैंने एक गुलाब जामुन बना लिया है। ऐसे ही मैं सारे गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लूँगी। बहुत ही बढ़िया लगेंगी, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। सभी गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं। आप चाहें तो थोड़े और बड़े साइज़ के बना सकते हैं, बट मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। अब देखते हैं हम अपनी चाशनी। चाशनी बनकर हमारी रेडी है। अब रख देंगे हम इसको साइड में, और जो गुलाब जामुन बनाए हैं हमने उनको हम कर लेंगे फ्राई। ये मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे से हीट किया था। हमेशा याद रहे, जब हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम हाई करके ही ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे। अगर हम मीडियम फ्लेम पर इसको हीट करेंगे तो ऑयल जल्दी से अच्छे से हीट नहीं होगा और हमारे गुलाब जामुन में अच्छा सारा तेल भर जाएगा, इसलिए हम इसमें इसको हाई फ्लेम पर ही हीट करेंगे। तो मैंने गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इनको चलाते हुए अच्छे से फ्राई करूँगी। जब आप इनको घर पर बनाएंगे तो आपकी फैमिली और आपके बच्चे बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये सबको ज़रूर पसंद आएंगे। अब ये हो गए हैं डार्क ब्राउन, अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए, अपने साइज से थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये मैंने पहला बैच फ्राई किया है, ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। कितनी बढ़िया लुकिंग हुई है इनकी, कोई बता नहीं सकता कि आपने ओनली मैदा से बनाए हैं, मावे से बनाए हैं, या फिर फटे हुए दूध से बनाए हैं। अब मैंने दूसरा बैच भी ऐसे ही ऐड कर दिया है। इनको भी डार्क ब्राउन होने तक मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और आप कोई और रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप वो रेसिपी मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगी। अब ये भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। सभी गुलाब जामुन मैंने निकाली हैं, अब मैं इनको कर दूँगी चाशनी में ऐड। देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ काजू की और कुछ बादाम की कतरन, और हम इनको रूम टेम्परेचर पर लाकर फिर हम इनको फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि ये एकदम से चिड़ हो जाएंगे और इनको खाने में बहुत ही आनंद आएगा। अब मैं कर देती हूँ इन सबको मिक्स। देखिए, 2 से 3 घंटे हो गए हैं इनको रेस्ट करते हुए, ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको कर लेते हैं सर्व। बनकर रेडी है हमारे गुलाब जामुन, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम सिंपल और ईजी होगी। तब तक के लिए बाय।